इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। कर्नाटक के बिदर शहर के पास स्थित ये मकबरे निशानी है एक ऐसी सल्तनत की जो एक समय दक्खन की 5 महत्वपूर्ण सल्तनतों में से एक थी। ये है बिदर सल्तनत या बरीद शाह शासकों के मकबरे, जिन्होंने बिदर में 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच शासन किया था। बैंगलोर शहर से करीब 675 किलोमीटर दूर स्थित बिदर अपनी भव्य वास्तुकला और बिदरी कला के लिए जाना जाता है। इस शहर को विकसित करने का श्रेय बहमनी सुल्तानों को भी जाता है, जिन्होंने बिदर को 15वीं शताब्दी में अपनी राजधानी बनाया। सन 1520 में उनके पतन तक ये बहमनी सुल्तानों का केंद्र रहा। उनके बाद कुछ छोटी छोटी सल्तनतें उभर कर आईं और उनमें से एक थी बिदर सल्तनत। इस राजवंश की शुरुआत कासिम बरीद से हुई। 15वीं शताब्दी में पहले वो बहमनी सुल्तानों के मंत्री बने। सन 1492 में उन्हें बहमनी सल्तनत का मीर जुमला या प्रधानमंत्री बना दिया गया। हालांकि शासन बहमनी सुल्तानों का था, पर एक तरह से पूरा राज्य कासिम बरीद ने ही संभाल रखा था। उन्हें बिदर सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। बिदर सल्तनत अहमदनगर, बरार, बीजापुर और गोलकोंडा की सल्तनतों के साथ मिलकर दक्खन सल्तनत के रूप में जाने जाते थे। सन 1504 में कासिम बरीद की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी बने आमिर बरीद। उन्होंने भी मंत्री के रूप में पूरे बिदर के शासन को संभाला। बिदर में अंतिम बहमनी राजा के मृत्यु के कुछ वर्षों के बाद ही 1520 और 1530 के दशक में अली बरीद शाह ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वो बरीद शाही राजवंश के तीसरे शासक थे, लेकिन शाही उपाधि शाह वाले पहले बरीद शासक बने। उनके उत्तराधिकारी यहाँ सन 1619 तक शासन करते रहे, जिसके बाद बिदर को बीजापुर में मिला लिया गया। बिदर सल्तनत का भी बिदर के विकास में योगदान रहा और आज भी उनके शासन की झलक बिदर की वास्तुकला में देखने को मिलती है। जैसे बिदर किले का ये खूबसूरत रंगीन महल अली बरीद शाह ने बनवाया था, इसके अलावा उनकी शान दिखती है इन भव्य मकबरों में। बरीद शाही मकबरे बिदर शहर से लगभग 2 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ये सुंदर इमारतों का एक समूह है, जहां शासकों के अलावा बरीद शाह शासकों के परिवार के सदस्य और कई संत भी दफन हैं। इन मकबरों की एक खास बात यह है कि यहां एक समय बहुत सुंदर बगीचे हुआ करते थे और उनके कुछ अवशेष आज भी यहां देखने को मिलते हैं। पहला मकबरा कासिम बरीद का है। दूसरा प्रसिद्ध मकबरा है आमिर बरीद का, जो अधूरा है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपने मकबरे का निर्माण शुरू कर दिया था, लेकिन सन 1542 में दौलताबाद में उनकी अचानक मृत्यु हो गई और उनका मकबरा अधूरा ही रह गया। ये एक मंच पर निर्मित एक भव्य इमारत है। इस मकबरे में बिना छत का एक विशाल हॉल है। अली बरीद शाह ने भी अपना मकबरा बनवाया, जो देखने लायक है। इसे बिदर के सबसे भव्य मकबरों में से एक गिना जाता है। मकबरों से कुछ और भी इमारतें जुड़ी हैं, जैसे एक मस्जिद जिसमें एक खुला दरबार है, एक हौज, एक प्रार्थना कक्ष और एक आर्केड। इसके अलावा यहाँ इब्राहिम बरीद, कासिम बरीद द्वितीय जैसे बाद के बरीद शासक और उनके परिवार के सदस्यों के भी कब्रें हैं। इन शानदार इमारतों को देखकर आप बिदर की वास्तुकला की प्रशंसा तो कर ही सकते हैं, पर साथ ही बिदर सल्तनत के छोटे मगर प्रभावशाली इतिहास की भी एक झलक जरूर पा सकते हैं।